हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट नए हों वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि उसमें सारे के सारे कैंडिडेट नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं और सारे के सारे ग्रुप डी वाले हैं। तो आरके स्टडी फॉर जॉब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या जानकारी देने वाला हूँ। 23 तारीख और 24 तारीख को जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनके बारे में अपडेट देने वाला हूँ कि क्या उनकी अपडेट है, कैसे कैसे उनकी ज्वाइनिंग हुई है। इस बात को लेकर के हालांकि मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप यहीं से तीसरी चौथी वीडियो होगी पुरानी, आप देख सकते हैं। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उसमें सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें, कितनी फ़ोटो कॉपी, कितने फ़ोटो, सब चीज़ उसमें मैंने बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जिनकी भी आगे ज्वाइनिंग होने वाली है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि 23 और 24 तारीख वालों की जिनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उनकी ड्यूटी कब लग रही है। इन सभी चीज़ों पर मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। क्या कल में और आज में कोई डॉक्यूमेंट में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है वो सब मैं बात आपको बताने वाला हूँ। कुछ आपके कमेंट भी हैं, वो कमेंट भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, अब जो ये 24 तारीख को, 23 का तो मैंने बता ही दिया था आपको उस दिन, और 24 तारीख को और 23 तारीख में भी कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो उनका कुछ अलग रेस्पॉन्स आया, तो उसी के हिसाब से मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि भाई एक ऑफ़र लेटर, जिसको ज्वाइनिंग लेटर बोल रहे हैं हम, तो वो ज्वाइनिंग लेटर या ऑफ़र लेटर अगर आया है किसी का तो ठीक, नहीं आया है तो वहीं पर निकलवा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 3 अटेस्टेशन फॉर्म लगे, लेकिन 24 तारीख में केवल 2 अटेस्टेशन फॉर्म लगे हैं, ठीक है जी। केवल 2 अटेस्टेशन फॉर्म, यानी 3 नहीं, केवल 2 ही अटेस्टेशन फॉर्म की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे 2 ही अटेस्टेशन फॉर्म लगने वाले हैं, हो सकता है किसी से 3 मांग ले, लेकिन अब आगे मुझे लगता है कि 2 ही अटेस्टेशन फॉर्म लगेंगे आपके, ठीक है जी। चलिए, दोनों अटेस्टेशन फॉर्म पे सिग्नेचर की बात आ रही है, कभी अलग अलग कराने हैं क्या, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग कराओ। दोनों अटेस्टेशन फॉर्म पे किसी एक ही बंदे से आप सिग्नेचर करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म बनेंगे, उन करेक्टरों पे आप दोनों पे अलग अलग सिग्नेचर कराओगे। अच्छा, क्या ऐसा करा सकते हैं जिससे अटेस्टेशन कराया है उससे ही करेक्टर भी बनवा लें? हाँ जी बिल्कुल करा सकते हो, जिससे आपने अटेस्टेशन कराया है उसी से आप अपना करेक्टर भी एक बनवा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। चलिए, और आधार कार्ड और उसकी 6 फ़ोटो कॉपी, पैन कार्ड उसकी 6 फ़ोटो कॉपी, ये सब बात आपको पता है। करेक्टर सर्टिफिकेट की मैंने आपको बता दी। क्या SDM और DM ज़रूरी हैं? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है भैया, SDM और DM का कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है, जो जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये सारी जितनी भी बात लिखी हुई है ना, वो सब कुछ सेम वही काम कर रही हैं जो मैंने उस वीडियो में बताई है। बस क्या चेंज हुआ है, एक यही चेंज है कि 3 अटेस्टेशन फॉर्म की बदले में वो 2 ही अटेस्टेशन फॉर्म अब ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम डॉक्यूमेंट सब कुछ वही लग रहा है जो मैंने उस वीडियो में बताया है, आपको लिंक वीडियो में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जो टैब बटन आता है ना ऊपर, मुझे हालांकि वो लगा आइकन बेल, वीडियो चलते चलते एक आइकन आता है लिखा हुआ, यहाँ पर भी मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा इस साइड में जो आता है, तो आप यहाँ से भी उसको देख पाओगे। अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, पर यहीं पर कोई बटन सा आता है, उसमें नाम लिखा आता है, उस पर भी आप देख पाओगे इस वीडियो की, मैं लिंक आपको लगा दूंगा। अभी आज की अब मैं बात करता हूँ जो मेन बात है, ठीक है, जो इस वीडियो की मेन बात है, जिस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इसमें मोस्टली मैं आपको 2-3 जानकारी देने वाला हूँ। एक तो मैंने देखो 23 की पहले ही दे दी आपको, 24 तारीख का मैंने आपको ज्वाइनिंग अपडेट दे दिया कि यहाँ पर अटेस्टेशन जो है 3 के बजाय 2 हो गए हैं अब आपके,
ठीक है, और आगे भी वो दो ही लेंगे ऐसा उन्होंने बोल दिया है। पीडीएफ वगैरह के केस सारे हम उसमें बात कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। ज्वाइनिंग कैसे हुई तो इसका भी जवाब आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, ज्वाइनिंग कैसे हुई मैंने सब कुछ आपको बताया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगर किसी पर कोई फॉर्म नहीं भी भरा जा रहा है ना तो वो खाली ले जाओ भैया। और पीडीएफ की बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज थे कि सर पीडीएफ वहीं बनवाने बन रही है या नहीं बन रही, फ्री बन रही है या पैसे ले रहे हैं या क्या हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर किसी कैंडिडेट का कोई फॉर्म नहीं भरा गया है खाली ले जाओ, वहाँ जाकर भर लेना अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भरने के बाद आपको पीडीएफ भी बनवाने का वहाँ पर व्यवस्था मिल रही है, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है पीडीएफ के रिगार्डिंग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब बात करते हैं कि जी ड्यूटी कब लग रही है। ये तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग टाइम, इसके बाद हमारी ड्यूटी के बारे में अभी हमें कोई पता नहीं चल रहा कि जो जॉब है यानी ज्वाइनिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो वो मेरे भाई अगले दिन ही वो आपको स्टेशन अलॉट कर रहे हैं कि अगले दिन आपको उस स्टेशन पर जाकर ये लेटर देना है और आपकी ज्वाइनिंग जो है ड्यूटी वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ कैंडिडेट इसको डिले करना चाह रहे हैं तो हाँ जी वो डिले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करीब करीब एक महीने तक का वो टाइम आपको दे पा रहे हैं शायद अभी, हालांकि मेरी इस बारे में किसी से कंफर्म बात नहीं हो पाई है कि वो कितना डिले का टाइम आपको दे पा रहे हैं, कितने दिन बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। मगर हर जॉब में ये करीब एक महीने का टाइम मिलता है आपको ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरी पक्की बात नहीं हो पाई है अभी किसी से भी, मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि एक महीने का टाइम वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बाकी ये ज़रूर है कि हाँ वो दो तीन दिन बाद भी अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो कोई दिक्कत उसको नहीं हो रही है। ऑफर लेटर आपको दे दिया जा रहा है वहाँ से और जाकर के आप उसको स्टेशन पर दे दें और आपकी ज्वाइनिंग और ड्यूटी वहीं से स्टार्ट हो जाए रही है, यानी अगले दिन ही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लग रहा मेरे भाइयों। मेरी बात आप समझ पाए होंगे, तो इस वीडियो में मोस्टली यही बात मुझे बतानी थी कि भाई ड्यूटी कब लग रही है, कब आपकी ड्यूटी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट हैं तो उसी सभी के लिए मैंने आपको बता दिया। आप सुबह मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जानते होंगे कि जो आपका पैनल अपडेट था वो अपडेट अब हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट का पैनल अपडेट नहीं हुआ था तो अभी वो अपडेट हो गया है। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप या वेबसाइट से अपना पैनल को फिर से जो अपडेट हुआ है उसको चेक कर सकते हो मेरे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है या फिर कोई विचार है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके उस डाउट, कमेंट या विचार का उत्तर देने की। इसके अलावा और एक मेरी बात है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि 23 तारीख या 24 तारीख को ही जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, जो दिल्ली गया हो दिल्ली डिवीज़न में यानी या आपका दिल्ली जोन में गया हो और जिसने ज्वाइनिंग करी हो, वो प्लीज़ कमेंट कर दें और कॉन्टैक्ट कर ले वो किसी भी तरीके से, ताकि बाकी सभी कैंडिडेट का भी भला हो सके। टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट कर लें वो मुझसे, और या फिर वो कमेंट के थ्रू आप बता दें कि आपको क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पर लगी हैं, क्या क्या सबमिट हुआ है, जो मैंने बताया है उस वीडियो में वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या उसमें कोई करेक्शन होना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई बदलाव हुआ है तो, मोस्टली बदलाव हुआ नहीं है, मेरी कैंडिडेट से ही बात हुई है ये भी 24 तारीख वाले में भी, और अगर कोई और कैंडिडेट है तो वो प्लीज़ मुझे बता दें, हो सकता है कहीं और थोड़ा सा और परिवर्तन हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद मेरे दोस्तों।